हमारा थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है अगर आपका कोई शोषण कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रोहिबिट्स मनाही है, मना किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है मानव व्यापार, मतलब कि मानव को बेचा जा रहा है इलीगल। फोर्स्ड लेबर, मतलब कि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वेजेस भी उनको कम दी जा रही है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से काम करवाया जा रहा है अंडर एज 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये हमारा राइट है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे इन इस तरह का काम किया जा रहा है। थर्ड फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब कि हमें आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल, ये सभी को दी गई है जितने भी सिटीजन है हमारे इंडिया के अंदर। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, सभी पर्सन के पास अधिकार है वो प्रैक्टिस कर सकता है। प्रोफेस मतलब कि उसके लिए वो भाषण दे सकता है, प्रोपेगेट उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। द रिलीजन ऑफ दियर चॉइस, मतलब कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, सभी पर्सन को रिलीजन है, लेकिन जो हमारी स्टेट है गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, वो किसी भी रिलीजन को आगे नहीं बढ़ाएगी। उसके लिए सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है सभी माइनॉरिटीज मतलब कि जिनकी संख्या कम है, रिलीजियस जिसका धर्म भी अलग अलग है, लिंग्विस्टिक जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कैन सेटअप दियर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, वो अपने आप को बचाने के लिए, एंड डेवलप दियर ओन कल्चर, मतलब कि अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमारे जो ये राइट्स दिए गए हैं ऊपर जो 5 है, अगर इनमें से हमारा कोई भी राइट एक्सप्लोइट हो रहा है, हमें कोई भी राइट नहीं मिल रहा है, हमसे राइट छीने जा रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो हमारा जो ये राइट है हमें रेमेडीज प्रोवाइड करता है, मतलब कि सुविधा प्रोवाइड करता है कि हम सीधे ही क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ दियर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उसके साथ नहीं दिया गया है, उसे छीना गया है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। अब हमारा लास्ट की फीचर है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। एक स्टेट है जैसा कि मैंने बताया कि सभी का रिलीजन है, पीपल अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेट है वो उसका ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगी एनी वन रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन। यू नो अंडरस्टैंड द वे इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया है कि, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्रूशियल मुख्य रोल प्ले करता है। आउट द आइडल दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एडहेयर टू इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव, बल्कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इलेक्ट हुए हैं रूल, वो इलेक्ट किए गए हैं हमने टू रूल, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं उनका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। अगर कोई भी इस तरह की रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए मिलता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये हमारा किस में आएगा, सेक्युलरिज्म में। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फिर जियो का करेंगे।